आपसे कह रहा है, आप जो कह रहे हो मुझे कि प्रूव कर लो, प्रूव दैट, पहले एक सिंपल नंबर दिया हुआ है 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है। तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, वही मेथड तो वही रहना है, कंट्राडिक्शन मेथड, दैट 1/√2 इज रैशनल, ठीक है, ये हमने ले लिया। अगर ये रैशनल है सो इट कैन बी रिटन एज, लैंग्वेज आपकी अपनी हो सकती है बट प्रॉपर होगा सो, p by q form where p and q are four prime लिखिए, integers लिखिए जो चाहिए, four prime use कर रहे हो तो four prime ही लिखिए, four prime integers, और अच्छा है आप ये भी mention कर दिया कीजिए कि q is not zero, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, so 1/√2 is equals to p by q. अब सब बच्चे यहाँ देख लें, एक तरीका तो यह है कि 1/√2 को आप रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज का मतलब है कि भाई 1/√2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √2 is p by q. तो इट विल बी, अगर हम इसको लिखें, इट विल बी √2/2 पी बाई। तो इसमें करना क्या होता है बेटे, अब हमारा जो नंबर हो गया, नाउ इट बिकम्स √2/2, तो इसमें एक पार्ट इरेशनल है दैट इज √2 और एक पार्ट रैशनल है दैट इज 2, तो रैशनल वाला पार्ट एक साइड रखना है, इरेशनल वाला पार्ट एक साइड रखना है, तो सिंपली आप इस 2 को इस साइड ले जाइए बस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू 2p/2। सिर्फ इन सारे क्वेश्चंस में जो कि आपके पास प्रॉपर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है, √2, √3, √5, इसके अलावा जितने भी नंबर है मिक्स हैं, उनमें सिर्फ इतना ही करना है कि रैशनल पार्ट एक साइड और इरेशनल पार्ट एक साइड। अब अगर आपने ये कर लिया तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है कि p इज माई इंटीजर, q इज माई इंटीजर, 2 इज ऑल्सो इंटीजर, ऊपर जो 2p आ रहा है दैट विल बी अनदर इंटीजर, 2 × 5 = 10, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि राइट साइड जो है दैट इज रैशनल, बट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगा। अगर एक रैशनल है तो दूसरा भी रैशनल ही होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि रैशनल ही रैशनल, तो रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, सो 2p/q इज रैशनल, सो √2 इज रैशनल, बट इट इज नोन दैट कि √2 इज इरेशनल, सो इट इज कंट्राडिक्शन। Why this arise? Because of our wrong assumption. बस यहाँ से state करने इतना मैंने लिखा है, सिर्फ आपको statement लिखना है। Statement क्या लिखना है? Statement लिखना है p and q are integers. शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Integers. Sir, so, p by q irrational होगा, irrational. p by q तो रैशनल है ना, हमने ऊपर क्या सपोज किया, हमने तो कंट्राडिक्शन तो यही है ना, है ना, हमने तो p और q इंटीजर लिया है तो रैशनल है, तो यहाँ पे p by q रैशनल होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी रैशनल होगा, तो p and q are integer, so 2p upon q is rational and which is equals to √2, so √2 is rational, और जैसे ही आपने √2 रैशनल कहा ये कंट्राडिक्शन आ गया, इट इज कंट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट, व्हाट इज द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है, इट इज wrong assumption, hence 1/√2 is irrational,
ये बात सबको समझ में आई बेटे या नहीं आई? सर ठीक है, तो हर जगह क्वेश्चन में यही होना है, सारे क्वेश्चन में। देखो मैं एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन ले लूं, थोड़ा सा, तब भी यही करना है। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने लिया बेटे क्वेश्चन में 3 + √2/5, तो आप क्या करेंगे, आप इसको रैशनल को सपोज करेंगे, रैशनल सपोज करेंगे तो आप लिखेंगे इट इज इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 3 रैशनल है या इंटीजर जो भी कहिए, और ये है, इन दोनों को साइड लाना है, जैसे भी आए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड तो मल्टीप्लाई। आपको सिर्फ इतना करना है कि रूट टू को एक साइड लेना, फिर स्टेटमेंट लिख देना, मतलब आप पहले 3 को साइड लाओ, सो यू विल गेट √2/5 पी बाई क्यू माइनस 3। आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आप क्या लोगे, √2/5 इज इक्वल्स टू पी माइनस 3q/q, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सर, 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा √2 इज इक्वल्स टू 5p माइनस 15q अपॉन 2, दैट्स इट। तब आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही लिखना था, अब आपको सिर्फ स्टेटमेंट देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल, सो राइट हैंड साइड इज रैशनल, बट इट इज कंट्राडिक्शन एज वी नो √2 इज इरेशनल, इट इज कंट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन, हेंस 3 + √2/5 इज इरेशनल। सबको समझ में आ गया या नहीं है? ठीक है सर, या इसमें कोई डाउट है? हाँ जी सर, आ गया सर, नो डाउट। चलो एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है, हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं इन चैप्टर 1 और ऑलमोस्ट 4 ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आप ये मान के चलिए हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन। तो पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको जो इस बार 2020 में एग्जाम्स में आया